अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाईपास करेंगे वीवो का Y02s। इसका एंड्रॉयड वर्जन है 12। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मोबाइल पे FRP लॉक लगा हुआ है। ये बिल्कुल वर्किंग मेथड है, ये आप देख सकते हैं। ये कोड मांग रहा है या फिर आपने जीमेल अकाउंट देना है। ना हमें जीमेल का पता है और ना कोड का। ये देखिए, इस पर FRP लगा हुआ है। तो चलो इसको बाईपास करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉक बैक इनेबल करने के लिए वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों की को एक साथ प्रेस करेंगे। ये जो मेनू खुलता है इसको क्लोज करने के बाद आपने उल्टा एल बनाना है। यूज़ वॉइस कमांड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने मुंह से बोलना है ओपन गूगल असिस्टेंट। ये कीपैड वाले निशान पे इन्हें आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हमने टॉक बैक को डिसेबल करना है। वॉल्यूम प्लस और माइनस को एक साथ दबाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा टॉक बैक। यहाँ पर आप लिखेंगे सेटिंग्स। ओपन सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पर सेटिंग खुल गई। आप देख सकते हैं ये मोबाइल है Y02s और ये एंड्रॉयड 12 है। इसकी FRP दूसरे मोबाइल के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है। इसका तरीक़ाकार भी थोड़ा अलग है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीसेट ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर आप फ़ोन क्लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरा एक मोबाइल चाहिए, कोई भी मोबाइल हो, लेकिन उसमें जीमेल अकाउंट होना लाजमी है। दूसरे मोबाइल में आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपने दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। पहला एप्लीकेशन का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, इसको आपने इंस्टॉल करना है। फिर आपने बैक जा कर के ईजी शेयर को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, फ़ोन क्लोन पर क्लिक करें, ओल्ड फ़ोन पर क्लिक करें, सेट पर क्लिक करें। यहाँ पर लोकेशन ऑन होना चाहिए। दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये QR कोड हमारे सामने ओपन हो गया है। जिस मोबाइल पे FRP लॉक लगा हुआ है उसको दिस इज़ न्यू फ़ोन उस पर क्लिक करें, एंड्रॉइड पे क्लिक करें और इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा वेट करें। ऊपर जो कोने में टिक का निशान है उसको अनटिक करें। ऐप्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपने टिक करना है एक्टिविटी लॉन्चर पे और नेक्स्ट कर देना है। अपने मोबाइल का पैटर्न यहाँ दे दें। स्टार्ट क्लोनिंग पे क्लिक करें तो एक्टिविटी लॉन्चर जो है वो इजी शेयर की मदद से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करें, फिर ओपन करें, ओके पे क्लिक करें, थोड़ा वेट करें एक्टिविटी लॉन्चर के लॉन्च होने तक। ओपन हो गया है तो एंड्रॉइड सेटअप पे अभी क्लिक करना है हमने। फिर स्क्रो स्क्रोल करें नीचे, जिस पे सेटिंग का निशान नहीं है उसे भी क्लिक करें। तो ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है। अब दोबारा आपने अपने फ़ोन को टॉक बैक को इनेबल करें, फिर उल्टा एल बनाएं, फिर यहाँ पर आपने कहना है ओपन गूगल असिस्टेंट, फिर दोबारा आपने कहना है ओपन सेटिंग। सेटिंग दोबारा ऑन हो जाएगा। टॉक बैक को फिर से डिसेबल करना है। उसके लिए आपने दोनों वॉल्यूम की इसको वॉल्यूम अप और डाउन की को एक साथ प्रेस करना है। टॉक बैक डिसेबल हो जाएगा। नीचे जाएंगे और शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर इजी टच को हमने इनेबल करना है। फिर कस्टमाइज मेनू में जाएंगे
और हमने यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिविटी लॉन्चर पर क्लिक करें, फिर बैक करें। ये जो हमारे साथ इजी टच वाला जो आइकन बन गया है, इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो जाएंगे एक्टिविटी लॉन्चर में, इसको ओपन होने दें। फिर ओपन होने के बाद एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करें, फिर उसी निशान पे जाए जहाँ पर सेटिंग का निशान नहीं है। ये तो पहले हमने चेक किया था, ये काम नहीं कर रहा। फिर दोबारा से उसी को ऑन करें, नीचे जाए, यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप जो लिखा हुआ है इसका पहला ऑप्शन दबाना है, ये भी नहीं कर रहा है। फिर से एक्टिविटी लॉन्चर पर जाए, फिर दूसरे वाले को प्रेस करें, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। फिर से आपने एक्टिविटी लॉन्चर को खोलना है और फिर ऊपर जाना है वापस, जो पहले हमने दबाया था उसी जगह पे आपने जाना है। इसी को दोबारा ट्राई करते हैं, एंड्रॉयड सेटअप में ये वाला जो है इसको प्रेस करना है, ये अभी काम कर रहा है। तो अभी हमारी FRP जो है वो हम बाईपास कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट दबाना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट, फिर कैन नॉट फिट केबल पे, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर यूज़ गूगल अकाउंट पे क्लिक करें, फिर से नेक्स्ट करें, फिर से नेक्स्ट करें। जब ये यहाँ पर ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा, तो आपने दूसरा कोई भी मोबाइल लेना है, उसमें अपनी गूगल को खोलकर गूगल में सर्च करना है सेटअप माई डिवाइस, सेटअप माई डिवाइस। इसको सर्च करना है, फिर नेक्स्ट दबाना है। अभी सर्चिंग शुरू हो गई है। वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपकी FRP जो है वो लाजमन बाईपास हो जाएगी। यहाँ पर कॉपी क्लिक करें, अपने फ़ोन का पैटर्न कोई भी पैटर्न लगाए वही दे दें। अब हमारा डाटा जो है नए फ़ोन में ट्रांसफ़र हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जब ये स्क्रीन आ जाएगा तो डोंट कॉपी पर आपने क्लिक करना है, फिर दोबारा डोंट कॉपी और नेक्स्ट। हमारी फ़ोन का जो FRP लॉक है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो गई है। अभी सेटअप करना बाकी है। अभी एक्सेप्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर स्किप करें, फिर से स्किप करें। स्किप, फिर स्किप। नो थैंक्स पे क्लिक करें। गेटिंग योर फोन रेडी। हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो चुका है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया।